चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि खुद को बदलना है तो इन जगहों पर हमेशा चुप रहना। आप भी इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपना ये जीवन सफल बना सकते हैं। हर इंसान अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है, इसके लिए वह तरह तरह के प्रयास भी करता है, फिर भी ना चाहते हुए मनुष्य को अपने जीवन में कभी ना कभी दुखों का सामना करना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन जगहों पर हम शांत रहकर अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश ही रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा हो रहा है और आपका उससे कोई भी संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने हस्तक्षेप किया तो आगे चलकर आप पर बहुत मुसीबतें आ सकती हैं। इसीलिए ऐसी जगहों पर हमेशा शांत रहना जहां झगड़ा हो रहा हो वहां मौन रहना ही बेहतर होगा। अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थानों पर खामोश रहना ही बेहतर होता है। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना होगा। चाणक्य के अनुसार ऐसे स्थानों पर बोलने वाले व्यक्तियों का अपमान होता है, साथ ही वो आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश जरूर करेंगे। अक्सर जिसके पास वैलिड रीजन नहीं होता वो भी बहस करके बिना किसी कारण अपना ये कीमती समय नष्ट करता रहता है, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति उस स्थान पर शांत रहकर वहां से कुछ सकारात्मक चीजें सीखकर अपने जीवन में उतार लेता है। मूर्ख व्यक्ति को कोई भी समझा नहीं सकता, इसीलिए यही बेहतर होता है कि उनसे बहस ना की जाए, ना ही उन्हें समझाने का प्रयत्न किया जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें मूल्यहीन ही है और किताबों में लिखी बातें और ज्ञान की बातें उसके लिए फिजूल है। लोगों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, इसीलिए एक विवेकशील व्यक्ति को इन दो स्थानों पर खामोश ही रहना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना भूलना। इसका अर्थ हुआ कि जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, ये दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। यदि आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहां चुप रहने में कोई समस्या नहीं है। बिना किसी तथ्य यानी रीजन के ना बोले, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। चुप बैठने से ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में तो भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान। अगला है, शब्दों से किसी को भी ठेस ना पहुंचाई जाए। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचाते हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान तो आप तभी बनोगे जब किसी कमजोर का साथ दोगे। पवित्र वस्तुओं का कभी भी अपमान मत करना। कोई वस्तु यदि आपके लिए अपवित्र है और वही दूसरों के लिए पवित्र है तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी भी चीज का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या किसी धर्म को लेकर। क्रोध आने पर हमेशा शांत रहे, चुप रहे। चुप रहना किसी को आदर व सम्मान देने की पहली निशानी होती है। ऐसा करने से ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा। यदि फिर भी आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से किसी का भी बिना अनादर किए चले जाएं या फिर चुप ही रहें। क्रोध करने पर आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं।
यदि आपका किसी भी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है बिना किसी वजह। अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलोगे तो ये आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा, इसमें केवल व केवल आपका ही नुकसान है। आपके शब्द सामने वाले या उसके परिवार के प्रति बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार व मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनोगे। जो चीजें आसानी से खत्म की जा सके उसे अपने शब्दों से बड़ा कभी भी मत करना। यदि आप बिना चिल्लाकर कोई बात नहीं कर सकते हो तो वहाँ आपकी चुप्पी में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा ही खराब हो जाती है। किसी के भी बारे में ना बोले। चाणक्य नीति के अनुसार जो इंसान अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान सबसे ज्यादा समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच बोलना ये गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगहों पर ना खोलें और चुप रहें। आपके शब्दों से किसी का भी अनादर ना हो। मजाक को भी सीमित रखिए। हमेशा शब्दों को मायने में रखिए जहां किसी को शब्दों से चोट ना लगे, क्योंकि वहां बोलने से आपको नुकसान ही होता है, इसीलिए वहां पर चुप रहिए। किसी की भी प्रतिष्ठा को ना पहुंचाए ठेस या हानि। अगर आपके शब्दों से किसी को भी ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो उसके बारे में बुरा भला किसी तीसरे के पास कभी भी मत बोलना। अपने शरीर, बुद्धि व मन का बल बढ़ाओ, क्योंकि इस दुनिया में कमजोरी की कीमत नहीं होती। कमजोरी की यहाँ कोई जगह नहीं, यहाँ ताकतवर को ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अगला है कि जीवन में चाहे समय कैसा भी आए लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव रहना है, जिससे आने वाले जीवन में कठिन से कठिन सिचुएशनों का सामना तुम हंसते हुए और सरलता से कर सकते हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि यदि एक योद्धा चिंतित हो तो उसका राज्य भी चिंतित हो सकता है और तुम्हारी मुस्कुराहट से ही सभी को ताकत मिलती है। मुस्कुराते रहना हमारे लिए भी अच्छा ही होता है, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भर देता है, नेगेटिव थॉट्स को दूर कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चाणक्य नीति से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा और जरूर आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट जरूर करोगे। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।